से बाहर कैसे गए? झरोके से। वो रानी माँ आप पूजा में थी ना, इसलिए हम नहीं चाहते थे कि हम आपकी पूजा में विघ्न डालें। चलिए आज भोजन बनाने में हम आपकी सहायता करते हैं। आइए रानी माँ, चलिए चलिए चलिए। खान बाबा, अभी हमारी उम्र 12 साल की है। गलतियां करने के लिए तो तमाम जिंदगी बाकी है। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, हमारी बाटो और हुकूमत करो वाली सियासी कोशिश नाकामयाब निकलेगी, यही ना? तो हम तब भी आपसे मुखातिब होंगे और आपके आजमाए हुए तरीकों पर अमल करना शुरू कर देंगे। पर जलाल, जो हमारी कामयाब सियासी चाले हैं, सीधे उन्हें ही क्यों ना अमल में लाएं? जरूरत ही क्या है नए नए सियासी हथकंडे अपनाने की, क्या जरूरत? क्योंकि हम बादशाह हैं खान बाबा, पहले हम खुद अपने लिए उसूल बनाएंगे, फिर उनके नतीजों को परख कर उन पर चलेंगे। हमारा यकीन करें खान बाबा, हम खुद मेवाड़ के उस बच्चे की गुस्ताखी के लिए मेवाड़ को जल्द से जल्द सजा देना चाहते हैं, पर हम उन्हें सजा कुछ इस अंदाज में देंगे कि उस जगह पर ऐसा कोई भी शख्स पैदा ही न हो जो किसी मुगल से आंख तक मिलाने की जुर्रत कर सके। ठीक है जहांपनाह, जैसा आप चाहेंगे वैसा ही होगा। अब हम मेवाड़ और उसके आसपास की रियासतों में मालूमात करवाते हैं कि उनमें से सबसे कमजोर कड़ी कौन है। राणा जी, ये हम क्या सुन रहे हैं? आप मेवाड़ के लिए एक नई राजधानी बनाने की सोच रहे हैं? तो राणा जी, क्या आपको ये पूर्ण विश्वास है कि इसकी आवश्यकता है? रावत जी, हमें अपने निर्णय पर पूरा विश्वास है। मुगलिया सल्तनत, इससे हम भली भांति अवगत हैं। देखा नहीं आपने बैरम खान कैसे हमारे दरबार में आकर दुर्व्यवहार कर रहा था? मुगलों को हम अच्छी तरह से जानते हैं। जब इन्हें किसी चीज की चाह होती है तो उसे पाकर ही दम लेते हैं, फिर चाहे इन्हें कुछ भी करना पड़े। ऐसी स्थिति में हमारा चित्तौड़ का दुर्ग सुरक्षित नहीं है हमारे लिए, ये सीधा मुगलों के निशाने पर है। अपनी राजधानी के लिए हमें कोई ऐसा स्थान ढूंढना होगा रावत जी, जहां हमें किसी पहाड़ या धरती की सुरक्षा मिल सके। एक ऐसा स्थान जिसे मुगलों की तोपें भी ना फेंक पाए। जी राणा जी। अब बताइए खान बाबा, राजपूताने की इन सभी रियासतों में से वो कौन सी रियासत है जो इनमें फूट डालने के लिए हमारा हथियार बन सकती है? और ये मेवाड़ है ना खान बाबा? जी हाँ जला, ये मेवाड़ है, ये अजमेर है, ये डूंगरपुर है और ये है बूंद। अगर हम गलत नहीं है तो बूंदी वो रियासत है जिसकी दूसरी रियासतों से निजी रंजिश है। सुभान अल्लाह जलाल, आप तो राजपूताना के बारे में काफी कुछ जानते हैं। तो इन सभी रियासतों में फूट डालने के लिए हमें सबसे पहले बूंदी को अपना हथियार बनाना पड़ेगा। वाह जिल्ले सुभानी, अब तो आपके साथ साथ हमें भी इस खेल में मजा आने लगा है। मगर एक दिक्कत है, बूंदी से हमारा कोई दोस्ताना नहीं है, बल्कि फिलहाल तो हम इसे भी अपने दुश्मनों की फेहरिस्त में रख सकते हैं। दया करो महाराज, इस बरस पानी नहीं बरसा, इसलिए खेत में उपज नहीं हुई, अन्नदाता हम और कर नहीं दे सकते। कर माफ किया, जाओ।
राजसुतन सिंह की जय। राजसुतन सिंह की जय। राजसुतन जी की जय। रुको रुको रुको, जय जयकार करने में इतनी शीघ्रता क्यों? दूंगा अवसर, दूंगा मैं आपको जय जयकार करने का अवसर अवश्य। उससे पहले कुछ कहना चाहता हूं। तुम्हें कर मुक्ति मिल गई, कर ना भरने के दंड से मुक्ति मिल गई, क्षमा मिल गई, राज की छूट भी मिल गया, परंतु तू ने हमें क्या दिया? कुछ नहीं। बूंदी नरेश, राव सुरतन के राज्य में राजा के साथ ही अन्याय, कुछ तो देना पड़ेगा। क्या देगा, तू बताएगा या मैं बताऊं? मैं बताता हूं, हीरा। हीरा दे मुझे हीरा। बता कहां छुपा कर रखा है वो हीरा? हम निर्धन किसानों के पास हीरा कहां है हुकुम? बस जो भी कुछ है आपके सामने है। मैं उस हीरे की बात नहीं कर रहा हूं जो धरती की कोख में पैदा होता है। मेरी बेटी हीरा है, हीरा। यहां बेटी है ही नहीं हुकुम। नहीं बता वरना बेटी कहाँ है तेरी? बेटी कहीं नहीं है सरकार, हम सच कह रहे हैं। राव सुरतन से तो कोई झूठ बोल ही नहीं सकता। तू कह रहा है बेटी कहीं नहीं है। एक खेल खेलते हैं, खेल। मैं अपनी इस नाक से सूंघ कर बता दूंगा कि कहाँ है तेरी बेटी। अगर मैंने पता लगा लिया तो तेरी जवान बेटी की जवानी मेरी। और अगर नहीं बता सका मैं तो तेरा कर सिर्फ इस वर्ष के लिए नहीं, आजीवन मुक्त। मंजूर? खेल खेलें। दिख नहीं रही है पर नाक में सांतरी आ रही है, लग है कोई आस पास है। जी बावड़ो हो रहे है, आस पास है। के साथ साथ बेटी के चीखने की आवाज भी आई। रुक जाइए महाराज,
हम निकाल के लाते बेटी को। जी बावड़ो हो गए हो। थारी लुक्का छुपी खेलने की उम्र खत्म हो गई रे छोरी। मारे संग खेलेगी आंख में चोली। सुंदर अति सुंदर छुपा है हमसे झूठ बोला और अपनी बेटी को छुपाया। कितना श्रम दिया है तूने हमें और हमारे इस नाक को। दंड तो मिलना चाहिए। दुगना कर देगा, दुगना कर देगा वरना। हम ये महल छोड़कर कैसे जा सकते हैं? कितने सपने देखे हैं हमने यहाँ के लिए। हमारा निर्णय अटल है धीर भाई जी। हम आज ही यहाँ से चले जाएंगे। अब ये महल वो स्थान नहीं रहा जहाँ हम रहना चाहते थे। वो सब जो हमारे प्रिय थे एक एक करके यहाँ से चले गए, छोड़ गए हैं तो केवल अपनी स्मृतियां। और वो स्मृतियां हमें यहां चैन से रहने नहीं देंगी। धीर भाई जी, अब ये महल सुख और शांति से रमकता वो स्थान नहीं रहा। अब ये बीती स्मृतियों में डूबा भयानक ऐतिहासिक स्थान बन गया। राणा जी, हम जाएंगे कहां? हम मेवाड़ का भ्रमण करना चाहते हैं, खासकर गिर्व घाटी के पास मेवाड़ की पुरानी राजधानी आयात। हो सकता है वहां पर जाके हमें सुख और शांति मिले और फिर कैलाशपुरी जाकर हम एक लिंगनाथ जी के दर्शन भी करना चाहते हैं। जहां आप जाएंगे राणा जी, हमारे जगमाल के लिए हमारे लिए वही महल है। हम आपके साथ जाएंगे।
हम आपकी कुछ सहायता करें? आप कहे तो हम आपके लिए आटा गूंदे? आप हमसे कुछ कहना चाहते हैं? आप वो रानी माँ, वो सच बात ये है रानी माँ, वो कल रात आप कक्ष से बाहर गए थे, है ना? क्या किया आपने? अत्ता कुमार प्रताप की जय जयकार हो रही है। फिर से क्या कर लिया कुंवर प्रताप ने? भले ही मेवाड़ अपना राजा ना ढूंढ पाया हो, पर हमने तो ढूंढ लिया है। हाँ, जिसने नरबक्षी बाघ को मारा है वो कोई साधारण मनुष्य नहीं है। देवदूत है, देवदूत जी, देवदूत वही है हमारा राजा। कुंवर प्रताप की जय। अधिराज प्रताप की जय। अधिराज प्रताप की जय। अधिराज प्रताप की जय। अधिराज की जय। जय सुनिए, कुंवर प्रताप ने कोई बाघ नहीं मारा है, बाघ किसी और ने मारा है। कुंवर प्रताप तो रात भर सो रहे थे अपने कक्ष में। ये क्या बोल रहे हैं सर? क्या बोल रही है रानी साहिबा? बाघ तो बाबूजीराज प्रताप ने ही मारा है। हाँ हाँ, बाघ तो कुंवर प्रताप ने ही मारा है। दाजीराज, रानी माँ, क्या दाजीराज हमसे मिल रहे हैं? उदय सिंह जी की, राणा उदय सिंह जी की, राणा उदय सिंह जी की। क्षमा करनी दाजीराज, कैसे हैं आप दाजीराज? क्या आप कहीं जा रहे थे? हाँ, छल कपट और विश्वासघात के साए से जितना संभव हो सके उतना दूर जा रहे थे। परंतु यहाँ पे क्या चल रहा है? मेवाड़ नाथ बाबूजी राज प्रताप ने वो कर दिखाया जो कोई नहीं कर पा रहा था। जी हुकुम, बाबूजी राज ने नरबक्षी भाग को मार गिराया है। क्या ये सच है? कुंवर प्रताप, देखिए हमारी तरफ और उत्तर दीजिए, क्या ये सच है? जी दाजी। आपने जो किया है कुंवर प्रताप, उससे हमारा विश्वास और भी दृढ़ हो गया है कि आप इस राज्य के नैसर्गिक राजा हैं। आपने जो किया है कुंवर प्रताप,
उससे हमारा विश्वास और भी दृढ़ हो गया है कि आप इस राज्य के नैसर्गिक राजा हैं। हम चाहते हैं कि आप कुंवर प्रताप को समझाएं कि वो ऐसा कोई साहसिक कार्य ना करे कि फिर एक बार मेवाड़ उनकी जय जयकार कर बैठे। आपको उन्हें समझाना होगा जीजा कि उनको अब साधारण जीवन जीना है, एक साधारण व्यक्ति की तरह। यदि कोई हमारे सपनों में संकट बनने का प्रयास करे तो हम उनके लिए दुर्घटनाओं का सृजन करते हैं, और फिर दुर्घटना तो कहीं भी हो सकती है ना जीजा। तलहटी में डी चलिए हमारे साथ। रानी माँ, हम कहाँ जा रहे हैं? रानी माँ कुछ तो बोलिए। रानी माँ अली, अगर हम गलत हों तो हमें दुरुस्त कीजिए, पर क्या यह सही नहीं है कि शमशेर खान शम्स खान का भाई? क्या बिल्कुल दुरुस्त फरमा रही हैं जापना? रुको रुको एक लम्हा हलीम। अगर शमशेर शम्स खान का भाई है तो इसका ये मतलब हुआ कि उसे मेवाड़ के बारे में काफी जानकारी होगी, क्योंकि शम्स खान ने अपनी आखिरी सांस तक मेवाड़ पर काबिज होने की कोशिश की थी, है ना अम्मी? माशाल्लाह चलो, आप कितनी आसानी से किसी भी सियासी गुत्थी के तह तक पहुंच जाते हैं। हलीम हलीम, फौरन शमशेर खान को हमारे सामने पेश किया जाए। जी हुजूर, कल सुबह सबसे पहले आपके हुक्म की तामील होगी। कल नहीं, शमशेर खान को हमारे सामने इसी वक्त पेश किया जाए। मुझे इसी वक्त बादशाह सलामत की खिदमत में पेश होना है, बहुत जरूरी मसला है। सिपह सलार हलीम, जिले सुबहानी के आराम में खलल डालने की मुआफी चाहते हुए बा अदब अर्ज करना चाहते हैं कि हमने शमशेर खान को गिरफ्तार कर लिया है। शमशेर खान शम्स खान का भाई? भूल जाओ मासी की रस्म। हमारे तमाम इंतजामात के बावजूद शमशेर खान गिरफ्तारी के वक्त तक दारुल हुकूमत में भेस बदलकर छुपा हुआ था हुजूर। उसकी इतनी जुर्रत, इस बार हम उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। खाइए सौगात, आज के बाद आप कभी कोई अस्त्र शस्त्र नहीं उठाएंगे। ये आप क्या कह रही हैं रणिमा? हम राजपूत हैं, राजपूत का तो जन्म ही अस्त्र शस्त्र उठाने और प्रजा की रक्षा के लिए होता। रानी माँ, हम जानते हैं राजपूत क्या होते हैं, क्यों होते हैं और किसके लिए होते हैं। जो हमने आपको सिखाया है उसी को हमें बताने की कोई आवश्यकता नहीं है कुंवर प्रताप। खाइए सौगंध ईश्वर की, आज आपको अपने हठ और अपनी रानी माँ के बीच चुनाव करना है। हम आपके लिए सब कुछ छोड़कर आए हैं और आप हमारे लिए एक सौगंध नहीं खा सकते। रानी माँ, आप इतनी भयभीत किस बात से हैं? बताइए तो सही रानी माँ। रानी माँ, हम आपसे विनती करते हैं, बताइए आप किस बात से इतनी भयभीत हैं? सौगंध खाइए। इसका क्या सबूत है जिले सुबहानी कि वो शमशेर खान उस गुस्ताख लड़के के बारे में जानता होगा जिसने जिसने हम पर तलवार उठाने की जरूरत की? खान बाबा,
जिस किसी में भी इतना हौसला हो कि वो हमारे खान बाबा के ऊपर तलवार चलाने की जुर्रत कर सके, वो अफगानों की नजर से भी कभी नहीं बच सकता। आप परेशान क्यों हो रहे हैं खान बाबा? हम जल्द से जल्द उसका पता लगा लेंगे। लेकिन जलाल, जान की अमान चाहता हूं जिल्ले सुबहानी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे बख्श दीजिए, मेरी जान बख्श दीजिए जिल्ले सुबहानी। मैं आपके पैरों की खाक हूं जिल्ले सुबहानी, इस खाकसार को जिंदगी बख्श दीजिए। आप जानते हैं कि हम मुगल बल अपने दुश्मन को कभी नहीं भूलते और उन्हें कभी माफ नहीं करते। हमसे दुश्मनी मोल लेने वाला कभी हमसे छिप नहीं सकता, चाहे वो कहीं भी जाए, कितने भी भेष क्यों ना बदल ले, हम उसे ढूंढ निकालते हैं और फिर उसे खत्म कर देते हैं। आलमपना, मैं आपके लिए सब कुछ करूंगा, मेरी जिंदगी बख्श दीजिए। तो क्या तुम हमें वो सब बातें बताओगे जो तुम मेवाड़ के बारे में जानते हो? मेवाड़ के बारे में? हाँ जहांपना, मेवाड़ के बारे में तो मुझसे ज्यादा जानने वाला आपको और कोई दूसरा आदमी मिलेगा भी नहीं। मैं जो कुछ भी जानता हूं मैं सब बता दूंगा, मगर अगर मगर मैंने अगर सब कुछ बता दिया तो आप मेरी जान बख्श देंगे ना? मेरा मतलब है कि मैं कैसे यकीन करूं कि... यकीन करना पड़ेगा तुम्हें शमशेर, शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद की जबान पर यकीन करना पड़ेगा तुम्हें। और अगर तुमने हमें मेवाड़ के बारे में सारी खुफिया बातें बता दी तो हमारे शहंशाह इतने फराग दिल हैं कि अपने दुश्मनों को भी बख्श देते हैं, मगर पहले मेवाड़। यहां बना, वैसे तो राजपुताने की सभी रियासतों के राजपूत जंगजू हैं, लेकिन रियासत मेवाड़ की बात कुछ अलग है। वहां के राजपूत मादरे वतन के लिए हमेशा अपनी जान देने को आमादा रहते हैं और वो वार सामने से करते हैं, छिपकर पीछे से नहीं। राजपूत कितने बहादुर होते हैं वो हम जानते हैं, हमें कुछ ऐसा बताओ जो हम नहीं जानते। मैं जो कुछ भी जानता हूं मैं सब बता दूंगा आपको। क्या तुम हमें उस मामूली लड़के के बारे में बता सकते हो कि वह कौन था जिसने हमारी फौज के सबसे जाबाज जंगजू खान बाबा बैरम खान पर तलवार उठाने की जुर्रत की? या मेरे माला, वो फिर नमूदार हो गया। कौन नमूदार हो गया? शमशेर खान। जवाब दो शमशेर खान, कौन नमूदार हो गया? जहांपनाह, जिस लड़के ने बैरम खान के सामने तलवार निकालने की जरूरत की वो कोई आम लड़का तो हो ही नहीं सकता। वो राजपूतों का सबसे बेखौफ जंगजू है, वो है मेवाड़ का शहजादा कुंवर प्रताप सिंह। हम कभी कभी अस्त्र शस्त्र नहीं उठाएंगे, मेवाड़ के लिए भी नहीं। मेवाड़ के लिए भी नहीं, वो मेवाड़ का शहजादा ही होगा। हाँ, शहजादा ही होगा।
अभय सिंह की अपनी औलाद। हाँ, वरना कोई भी राजा अपनी सेना को लेकर एक मामूली से लड़के को बचाने के लिए किले से बाहर निकलकर हमसे दुश्मनी मोल लेगा। बैरम खान से नामुमकिन। मेरे खुदा, काश हमें पहले अंदाजा हो जाता। काश अब हमारी दिलचस्पी फर्श से अर्श तक पहुंच गई है। शमशेर आगे बोलिए। आलम बना वो करीब करीब आपकी ही उम्र का होगा, पर ज्यादा से ज्यादा आपसे 2 साल बड़ा होगा। क्या हमसे सिर्फ 2 साल बड़ा? इतनी बड़ी हथियारबंद मुगलिया लश्कर से बेखौफ उलझ गया? ये तो कुछ नहीं जान पाना। उसकी बहादुरी के दूसरे किस्से आप सुनेंगे तो आपको उसका बहराम खान से उलझना तो बच्चों जैसा खेल लगेगा। योकात में रहो शमशान बाबा। तुमने और तुम्हारे भाई ने भी तो शर्मनाक शिकस्त पाई थी, फिर बदला लेने की कोशिश क्यों नहीं की? कोशिश की थी जहां पर, लेकिन हम नाकामयाब रहे। शहजादा है मेवाड़ का। प्रताप, खत्म कर दो उसे। और आखिर में उसने मेरे भाई को ही मार डाला। जान की अमान हो तो मैं एक इल्तिजा करना चाहता हूं। इजाजत है जिले सुभानी, अगर आप हिंदुस्तान पर हुकूमत करना चाहते हैं तो प्रताप से जंग ना करें। वो कोई आम राजपूत नहीं है, वो तो कोई गैबी ताकतों वाली करिश्माई शख्सियत है। बहुत खूब, हमें तो किस्सा सुन सुन कर पसंद आने लग गया है। ये राजपूती शहजादा खान बाबा, अब इसका शिकार करने में मजा आएगा। उम्र काल कोठरी में कैद है बाबू शक्कर, इससे तो बेहतर होता आप मुझे मौत दे देते। मुझे ऐसी जिंदगी नहीं चाहिए जापना, मुझे मौत दे दीजिए, मुझे मौत दे दीजिए। खान बाबा, हमारे वालिद मरहूम हमसे कहा करते थे, अगर हमको किसी भी जंगल का राजा बनना हो तो पहले उस जंगल के शेर को मार देना चाहिए, फिर अपने आप सारे जानवर कदमों में गिर जाएंगे। शमशेर खान ने जैसा उस बहादुर और गुस्ताख लड़के के बारे में बताया, उससे ये पता चलता है कि मेवाड़ ही सारे राजपुताने का शेर है। तो क्यों ना हम जल्द से जल्द मेवाड़ को ही पालतू बना लें। आप बजा फरमा रहे हैं आलम, लेकिन जिस तरह शेर का शिकार करने से पहले उसे फंसाना पड़ता है, उसके लिए जाल बिछाना पड़ता है, ठीक उसी तरह हमें भी मेवाड़ की पड़ोसी रियासत बूंदी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। मगर क्या खान बाबा? जलाल बूंदी के राजा राव सुल्तान के बारे में जो भी मालूमात हासिल की है वो बहुत परेशान कर रही है। दरअसल उस शख्स का किरदार कुछ सही नहीं है। हम कुछ समझे नहीं खान बाबा। बस सुना है उसे आवाम की कोई फिक्र ही नहीं है, ना ही हुकूमत से कोई दिलचस्पी, बस अय्याशी करना चाहता है। अय्याशी तो इस किस्म के लोग अजीब होते हैं, उन्हें अपने नफे नुकसान की फिक्र तो होती नहीं।
हम सोच रहे हैं कि अगर उस शख्स ने हमें साफ साफ ना कह दिया तो बावड़ो हो गयो। अपने दिल पर काबू रखिए राव सुल्तान जी, मुगल सल्तनत के बेशकीमती जवाहरात हैं ये सब, और हम इन्हें पूरी एहतियात से हर नापाक नजर से बचाकर सच्चे शागिर्द की तरह हर किस्म की तालीम देकर तैयार करवाते हैं, जिस तरह एक जौहरी अपने हीरे जवाहरात को तराश तराश के तैयार करता है। मुगलिया सल्तनत के बेशकीमती अनछुए जवाहरात, अनछुए छूकर देख। अरे अरे, इतनी भी क्या बेसब्री है, इंतजार कीजिए, जरा सब्र करिए। जयराम खान जी, इन सब के बदले में आपको क्या चाहिए? बैरम खान जी, सब चाहते हैं मेवाड़। सुना है आपके जो बादशाह है बहुत ही महत्वाकांक्षी लड़का है। अच्छा, होना ही चाहिए, महत्वाकांक्षी होने में कोई बुराई नहीं है। मैं भी हूं महत्वाकांक्षी, बहुत महत्वाकांक्षी। मेवाड़ दिलवाने के बदले में मुझे क्या मिलेगा? मेवाड़ हमें दिलवाने के बदले आपको क्या मिलेगा? आपको याद है सुल्तान जी, आपके वालिद मरहूम इसी उदय सिंह के भाई से लड़ते लड़ते दुनिया से कूच कर गए थे, याद है ना आपको? याद है। राजीराज को कैसे भूल सकते हैं? लेकिन बीती बातों के लिए हम उदय सिंह के साथ शत्रुता नहीं मोल लेना चाहते। चलिए ठीक है, भूल जाते हैं आपके दाजी राज को। अच्छा, अगर हम उदय सिंह के पूरे खानदान को नेस्तो नाबूद करके आपको मेवाड़ का राजा बना दें तो? करम खान जी, राजा तो हम अब भी हैं, मेवाड़ के ना ही सही बूंदी के सही राजा तो है। अच्छा अच्छा, ठीक है सुल्तान जी, अगर हम आपको ऐसी और भी बहुत सारी खूबसूरत एक से बढ़कर एक पेशे नजर कर दे तो? पेशे नजर जी बावड़ो हो गए हो। स्वीकार। करम खान जी, मेवाड़ पर आपके आधिपत्य के लिए आपकी सहायता करना हमें स्वीकार है। हाँ तो राव सुल्तान जी, जब हमारे दरमियान ये तय हो ही गया है कि हम दोस्त हैं और एक दूसरे की मदद करेंगे, तो इजाजत हो तो आपके लिए मुगलों के कुछ कायदे कानून आपको बता दें। शुभ काम में अनुमति कैसी? आपने अपने मुख से जो हमें वचन दिया था इन सुंदरियों को और इनके अतिरिक्त और भी कई सुंदरियों को देने का, मैत्री संधि में ही सही लिख के दे दें। आप दस्तखत कर दें, मैं हस्ताक्षर कर दूं, बैठ के आराम से
एक दूसरे का साथ देते रहेंगे। इतने आश्चर्य से क्यों देख रहे हैं? हम मुगलों को वर्षों से जानते हैं, पता है हमें कि आपका हृदय बहुत ही बड़ा है और आप वचन के भी बहुत पक्के हैं, किंतु नियम कायदे तो नियम कायदे ही होते हैं। संदीप पुस्तिका दीजिए बैरम खान जी को। बावड़ो हो गया, अब कहिए क्या कह रहे थे? अब हमारी बात जरा गौर से सुनिए सुल्तान सिंह जी। हमें राणा उदय सिंह के फर्जंद प्रताप में दिलचस्पी है। सुना है वो इस वक्त तलेटी में अपनी वालदा के साथ सादगी भरी जिंदगी गुजार रहा है। हमें लगता है सुल्तान जी, हमारे ख्वाबों की ताबीर में सबसे बड़ा रोड़ा बन सकता है ये प्रताप। इसलिए आपको प्रताप को हमें लाकर देना है बस। कुंवर प्रताप यहां बूंदी में क्यों आए? धर्म खान जी, बूंदी और मेवाड़ की जो शत्रुता है उसके बारे में राजपुताने का बच्चा बच्चा जानता है। अच्छा सवाल, लेकिन हम भी हर सवाल का जवाब सोच कर आए, शायद आपके कुछ काम आ जाए। सुना है सच्ची राजपुतानी है मेवाड़ की महारानी, अपने शौहर की खुशनूदी और हिफाजत के लिए हर मुमकिन कोशिश करना उनका फर्ज है, कुछ समझे? किंतु बूंदी की बावड़ियों की नवरात्रि पूजा में मेवाड़ के लोगों का आना जाना तो मना, अब समझा मैं। करम खान जी, अब समझ में आया कि अब हमें ये करना है, इस बार सारी राजपूती रियासतों के साथ साथ मेवाड़ में भी ये संदेश भिजवाना है कि आओ पधारो, रानी जी की नवरात्रि की बावड़ी पूजा के लिए बूंदी पधारो। और जैसे ही ये संदेशा मेवाड़ तक पहुंचा कि बैरम खान जी जीवन तबाही क्या, सारी राजपूतनियां दौड़ी दौड़ी चली आएंगी यहाँ पे बूंदी में पूजा करने के लिए। और यदि जीवन तबाही यहाँ आई तो हो सकता है कि उनके पीछे पीछे कुंवर प्रताप भी यहाँ पे आ जाए। हमें लगता है सुल्तान जी खूब जमेगी हम दोनों में। जी बावड़ा हो गया। एक समस्या है। अब क्या है? जलंता बाई के साथ कुंवर प्रताप यहाँ आ तो जाएंगे, परंतु हम उन्हें पहचानेंगे कैसे? वहाँ साधारण नागरिकों जैसा जीवन व्यतीत कर रहे हैं, ना ही उनकी वेशभूषा अलंकृत होगी और ना ही उनके साथ साथ राजकीय सुरक्षा कर्मियों का दल होगा। आप उन्हें एक बार बुलवा तो लीजिए, फिर उनकी शनाख्त कैसे की जाएगी इस सवाल का जवाब भी हम आपको दे देंगे। वो क्या कह रहे थे आप, क्या भेजना है? संदेशा? हाँ भेजिए संदेशा। हमारे जासूसों ने कहा है कि इस वक्त उदय सिंह चित्तौड़ में नहीं है, घूमने गए, मौका अच्छा है, भेज दीजिए संदेशा। सुनो 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 मेवाड़ के नगरवासियों सुनो, बूंदी में होने वाली दुर्गा अष्टमी के दिव्य आयोजन में आप सभी लोग वहां सम्मिलित हो सकते हैं। सुनो 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 मेवाड़ के नगरवासियों सुनो। ये जो आप सबको रानी जी की बावड़ी पर दुर्गाष्टमी की पूजा के लिए और अपने पति की दीर्घायु की कामना के लिए
बूंदी जाने का सुअवसर मिल रहा है, इसे हम आप सबका सौभाग्य ही मान रहे हैं। हमारा आपसे निवेदन है कि पूजा करते समय हमारी ओर से भी श्रद्धा कामना के पुष्प चढ़ाएं। महारानी सा, यदि आप ही हमारे साथ पूजा के लिए बूंदी जाती तो? यदि हम चल पाते तो हमारा विश्वास कीजिए, हम निश्चित ही आप लोगों के साथ सहर्ष चलते, लेकिन हम राणा जी के लिए कोई परेशानी नहीं खड़ी करना चाहते। पीढ़ियों से चली आ रही बूंदी और मेवाड़ की शत्रुता तो आप जानते ही हैं। पर महारानी सा, बूंदी में अगर किसी को पता ही नहीं चलेगा कि आप मेवाड़ की महारानी सा हैं, तो फिर भला कैसा भय? हाँ हाँ महारानी सा, हम सब आपकी पहचान छिपा लेंगे। क्या बाबूजीराज, चार दिन हो गए आपको अपने घर से बाहर निकले हुए। पता है कैसे कोई व्यक्ति अपने ही घर में इतने दिनों तक बैठे रह सकता है? हाँ बाबूजीराज, चलिए ना खरगोश के शिकार पे चलते हैं, इसमें बहुत आनंद आएगा। नहीं, अब किसी भी प्रकार के आखेट में हमारी कोई रुचि नहीं रही। हाँ हाँ, नरभक्षी बाघ का शिकार करने के बाद खरगोश जैसे छोटे मोटे जीव का शिकार करने में आपकी रुचि थोड़ी रहेगी। नहीं वेणीदास, आखेट में रुचि ना रहने का कारण खाइए सौगंध, आज के बाद आप कभी कोई अस्त्र शस्त्र नहीं उठाएंगे। हम आपके लिए सब कुछ छोड़कर आए हैं और आप हमारे लिए एक सौगंध नहीं खा सकते। कारण मात्र इतना ही है मित्रों, अब इच्छा ही नहीं रही आकेट की। शिकार की इच्छा नहीं रही, ये कौन सी बात हुई बाबूजीराज? ठीक है बाबूजीराज, अगर आपकी इच्छा नहीं है तो हम सब भी नहीं जाएंगे आखेट पर। बिना तीन मित्रों के खेल का क्या आनंद। पहला नाम है बूढ़ा, ये बूंदी से बूढ़ा परिवार के बूढ़ा सुरजन सिंह के पुत्र हैं। तो फिर दुदा को ले जाओ अपने साथ। क्या हुआ, आप दोनों चुप क्यों हो गए एकदम से? दुदा इस समय बूंदी में अपने परिवार के साथ अत्याचारी बंदी नरेश राव सुरतन सिंह ने दुदा के पिता को बंदी बना लिया। प्रताप, खम्मा घड़ी महाराणी सा, घड़ी खम्मा आगे आओ। हम बूंदी जा रहे हैं दुर्गाष्टमी की पूजा के लिए। आप बूंदी जा रही है रानीमा, किंतु वहां जाना आपके लिए सुरक्षित नहीं है, बहुत संकट है वहां। नहीं प्रताप, यदि हम साधारण प्रजाजनों के बीच साधारण प्रजाजन बन के रहेंगे तो भला संकट कैसा? और आपको आपका वचन याद है ना? जी रानीमा, आपकी दिलाई हुई सौगंध हम याद रखेंगे और आपके साथ बूंदी भी चलेंगे। रानीमा, हम पूजा के लिए फूल लाना तो भूल ही गए। ये लीजिए रानीमा। यहाँ तो आपने ये कर लिया, कोई बात नहीं, पर आने वाली सीमा चौकी पार करने के बाद बूंदी में हम जैसे ही प्रवेश करेंगे वहां भूलकर भी ऐसा दुस्साहस मत करना। पर किया क्या है हमने ऐसा? मार्ग के वृक्ष तो सार्वजनिक होते हैं। मेवाड़ में महाराणा उदय सिंह के राज में होते हैं ये सभी पेड़ पौधे सार्वजनिक, पर वहां बूंदी में ऐसी बात नहीं है। वहां जो भी होता है प्रजा उसके लिए कर देते है अपने राजा को। क्या नाम है वहां के राजा का? सुल्तान सिंह है ना? साधारण नागरिकों को यूं सार्वजनिक रूप से अपने राजे जी का नाम लेने की आज्ञा नहीं है, ये अक्षम्य अपराध माना जाते हैं वहाँ। और आप तो यूं ही मेवाड़ से, अपराध तो दुगना हो जाएगा ना। ये क्या प्रताप, और क्या क्या वर्जित है वहाँ पर?
आप जानते हैं इसलिए आपसे पूछ रहे हैं ताकि वहाँ किसी को कोई असुविधा ना हो। एकलिंग जी ना करे, कभी वहाँ बूंदी नरेश आपके सामने आ जाए। यदि दुर्भाग्य से ऐसा हो गया तो तुरंत दृष्टि झुका लो। साधारण नागरिक का बूंदी नरेश से दृष्टि मिला ना, वहाँ पे अक्षम्य अपराध माना जाता है। प्रताप, वहाँ जैसा सब कहते हैं सब करते हैं वैसा ही कीजिए, नहीं तो हम समझ जाएंगे कि वहाँ हमारा कोई नहीं। अपनी अपनी पहचान पत्रिका दिखाते जाइए। चलो। रुको, अपनी पहचान मुद्रा दिखाइए। तो आप मेवाड़ के नागरिक हैं, इनकी अच्छी तरह तलाशी ली जाए। जी। ये आप यहाँ रुकिए प्रथा, ये रहा हमारा सामान, इसके अतिरिक्त हमारे पास कुछ नहीं है। क्या नाम है तुम्हारा? अरे ये तो सीधे साधे निर्धन मेवाड़ी है द्वारपाल जी, पूजा के लिए आए हैं बेचारे। क्या ये और क्या इनका नाम धाम, जाने दीजिए बेचारों को। ठीक है, जाओ। आजा आजा, हंस जा हमारे बिछाए हुए जाल में प्यारे चूहे। आपको हमारी कैद में देखकर हमें बेइंतहा खुशी होगी, आपने हमें बहुत दिनों तक तरसाया है। जलाल, आपको क्या लगता है बूंदी नरेश पकड़ पाएंगे प्रताप को? आपके सवाल का जवाब तो हमारे पास नहीं है, इसीलिए इस खेल में इतना मजा आ रहा है। मजा तो अब आएगा। रानी माँ, सभी स्त्रियां यहां आकर कितनी प्रसन्न दिख रही हैं। हमारी इच्छा है कि एक दिन ऐसा है जब राजपूताने के सभी रजवाड़ों की दीवार तोड़ जाए, ताकि सभी लोग जब चाहे तब स्वतंत्रता पूर्वक एक राज्य से दूसरे राज्य में बिना कोई रोक टोक के आ जा सके। सोच समझ कर बोलिए प्रताप। आप किसी राजघराने से हैं क्या? नहीं नहीं, ये तो ऐसे ही कल्पना में उड़ने वाले बालक हैं। बातें तो सभी बच्चे ऐसे ही करते हैं। राजघराने की बात मैंने आपकी नाक की नथ को देख कर कहा। ऐसी नथ तो राजघराने की स्त्रियां ही पहनती है ना। ये नथ हमारी माँ को एक राजा जी ने भेंट स्वरूप दी थी। अच्छा, फिर तो बहुत दयावान राजा होंगे वो। हाँ है तो। प्रताप, आप चाहे तो यहाँ कहीं घूमाए, क्या पता आपको आपके मित्र दूधा का पता ही मिल जाए। सच माँ, क्या ऐसा हो सकता है? हाँ क्यों नहीं, पर याद रहे यहाँ किसी उलझन में मत फंसिएगा। साहब भाई नहीं है, कहाँ से दूंगा मैं? लगान नहीं देगा नहीं तू? नहीं है साहब, लगान नहीं देगा ना तू? लगान नहीं देगा तो ले ये खा। कौन लगान देगा कि नहीं? कौन लगान देगा कि नहीं? लगान नहीं देगा, लगान नहीं देगा, लगान नहीं देगा, ये ले, लगान नहीं देगा। चल Thank you.
वाह बूंदी नरेश राव सुरतन वाह चोखे लाग रहे हो आप हैं चांद में भी दाग है हम में भी छोटा सा दाग है लेकिन बहुत सारी आग भी है कि नहीं दिखा देंगे हम भी बैरम खान को कितनी ताकत भी है चतुराई भी प्रजा के दुख को देख के दुखी हो जाते हैं कुंवर प्रताप अत्याचार सहा नहीं जाता उनसे तो हमारे सैनिक तो दिन रात अत्याचार करते रहते हैं मारते रहते हैं पीटते रहते हैं प्रजा को अगर बैरम खान की बात सही निकली फिर तो कुंवर प्रताप का पता लगाना कठिन नहीं होगा कृष्णा क्या हुआ जीजी आप किसी को ढूंढ रही है क्या अरे क्या बोलूं बेटा सब लड़के परेशान करते हैं मुझे एक को समझाने जाती हूँ दूसरा हाथ से छूट जाता है हमें एक बात बताइए ये सभी माएं अपने पुत्रों को लेके इतनी चिंतित क्यों रहती है अब हमारी माँ को ही ले लीजिए वे हमारी इतनी चिंता करती है कि हमारे पग पग का ध्यान रखने लग गई है वे अब आप लोगों को भी समझना चाहिए कि बच्चों को स्वतंत्रता चाहिए होती है हमें तो पूरा विश्वास है कि आपके लड़के भी अपना ध्यान रखने योग्य होंगे तुम हो कौन कहाँ गया वो रहा पकड़ो उसे माई हम अभी आए पकड़ो उसे भाग ना पाए फिर एक शैतान लड़का हे एकलिंग जी क्या होगा कहाँ गया वो राजमहल की पाकशाला से भोजन चुरा के तो कोई लड़का भागा था ना ये नाक में जवान कुंवारी सुंदरी लड़की की सांत्री क्यों आ रही है जी बावड़ो क्यों हो रहे है ए छोरे बता कहाँ है वो चोर हमें नहीं पता झुंझार आंखें नीची कर मूर्ख हमारे हुकुम की आंखों से आंखें कोई नहीं मिला सकता है